हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपका दिल करे पेटीज खाने का और आपके पास पफ पेस्ट्री मौजूद नहीं हो तो आप पेटीज कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल पराठों से पेटीज कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे बाजार के बने हुए पराठों का एक पैकेट लिया है और हमने चिकन लिया है यहाँ पे, जिसको इस शेप में कट किया है, बोनलेस चिकन लिया था। प्याज लिया है हमने 2 अदद, जिसको हमने अच्छे से चॉप करके रखा है। आलू लिया है हमने, जिसको इससे मैश करके रखा है। होममेड बटर लिया है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक हसब जरूरत। साबुत धनिया 1 टीस्पून। जीरा 1 टीस्पून। सबसे पहले हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर बटर से जो बनते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है। हमने यहाँ पे चूल्हा जो है वो लो टू मीडियम पे रखा है, ज्यादा हाई पे नहीं रखना। चिकन को हमें अच्छे से कुक होने देना है। इसको इतना पकाएंगे कि जब तक इसमें से कलर अच्छे से चेंज नहीं होता। तो चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे और साथ साथ ही पोटैटोस। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने 3 आलू लिया था लार्ज साइज के, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्के आंच पे 8 से 10 मिनट तक इसको कुक होने देते हैं। अब हम यहाँ से पेटीज के लिए पफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पराठा उठाएंगे। तो देखें इस तरह। अब हम इसको जल्दी जल्दी खोल के इसको रखते जाएंगे। तो देखें, तो बस इसी तरह एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। अब हमने थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट किया है। अब हम इसको पलट लेंगे ताकि नीचे जो है वो चिपक ना जाए। तो अब हम दूसरा पराठा निकालते हैं जल्दी जल्दी। देखें इसी तरह एक और हमने पराठा निकाला है और निकाल के फौरन जो है इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और फिर जो तीसरा पराठा है वो भी इसके ऊपर रख देंगे। इस पे भी थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह सारा बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 से 9 पराठे रखा है। पहले हमने एक पराठा लिया, उसके ऊपर थोड़ा मैदा डस्ट किया, फिर उसके ऊपर हमने एक पराठा रखा। तो इसी तरह हमने सारा जो है वो रख दिया है। इसको लंबा बेलना है। तो हम अभी पाटला जो है उसको हटाते हैं और यहाँ थोड़ा मैदा डस्ट करते हैं। अब हम इसको इधर बेल लेंगे। देखें इस तरह। बस हमने इसको ज्यादा पतला नहीं करना है। देखें हम इतना रखेंगे यहाँ से, देखें इतना। तो देखें हमारा पेटीज का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक गोल बाउल लिया है। अगर आपके पास पेटीज कटर है तो उससे तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरे पास पेटीज कटर नहीं था तो मैंने एक बाउल लिया है। गोल गोल जो है वो बनाते जाएंगे। तो इसी तरह मैं सारे काट के तैयार कर लूंगी। तो ये जो बच गया है इसको मैं वापिस बेल के पेटीज बना लूंगी। तो हमने यहाँ पे ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आटा लिया है। अब हम नीचे मैदा डस्ट कर लेंगे, ये देखें इसी तरह। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे, देखें। देखिए इस तरह। अब हम इसके ऊपर ये जो है एक रख देंगे और साइडों से जो है इसको दबा दबा के बंद कर लेंगे। तो ये हमारा एक पेटीज बन गया है। अब इसको हम ट्रे में रखेंगे। अब हम दूसरा पेटीज बना लेंगे, इसमें स्टफिंग भर लेते हैं, देखें इस तरह। अब हम इसके ऊपर एक और पेटीज रखेंगे, देखें। इसको भी ऐसे ही बंद कर लेंगे। तो देखें, अब हम इसी तरह तो हमारे पेटीज बिल्कुल तैयार है। और ओवन को हमने 200 डिग्री पे इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट पहले ही हमने ओवन को ऑन करके रखा था। अब हम जो पेटीज है उस पे हम बटर लगाएंगे। आप चाहे तो मिल्क भी लगा सकते हैं या फिर एग भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बटर ले रही हूँ। पेटीज को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे 25 मिनट्स बाद मिलूँगी आपसे। तो मिलते हैं 25 मिनट्स बाद। तो हमारा चिकन पैटीज बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखें, हमारा पराठा चिकन पैटीज बिल्कुल बन के तैयार है। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है। तो देखें, देखें कितने जबरदस्त पैटीज बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलें। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। फिर मैं लौट के आऊँगी एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।